तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो दिल से वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कोरोना काल में किए कामों की तारीफ, कहा पिता के अंतिम संस्कार में भी योगी नहीं गए। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में किए कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, जिस तरह से वो जी जान से जुटे, देश के अन्य राज्यों को भी योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब यूपी ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थिति को संभाला, वो काफी प्रशंसनीय है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जी के पिता की मौत हुई थी। पिताजी की मौत में न जाने के बजाय वो कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में जुटे रहे और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशील उनमें है, तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कही। बीच भर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं, यूपी सरकार पर धमकाने का आरोप लगा, बोली प्रियंका गांधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खुली चुनौती दी है कि अगर योगी सरकार में हिम्मत है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, पर वे सच्चाई सामने लाना जारी रखेंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर के शेल्टर होम में लड़कियों के कोरोना संक्रमित और गर्भवती पाए जाने के बाद योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने हमला बोला था और कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद योगी सरकार ने इन आरोपों पर जो है प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वे योगी सरकार से नहीं डरती हैं और यूपी सरकार को जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रियंका गांधी ने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गलवान घाटी में हिंसा को लेकर शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। शिवसेना ने कहा कि बिहार में चुनाव होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने की बिहार रेजिमेंट की तारीफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर आज शिवसेना नेता संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। संजय रावत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन जवानों ने बहादुरी दिखाई तो अन्य रेजिमेंट के जवान क्या सीमाओं पर तंबाकू मलने के लिए बैठे थे। वहीं आपको बता दें उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए बिहार रेजिमेंट की तारीफ की क्योंकि बिहार में चुनाव है, अगर अंत कहीं भी चुनाव होते तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी तारीफ करते। तो ये काफी बड़ा हमला बोला गया है संजय रावत की तरफ। इसी बीच भर दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल से भारत को एक और बड़ा झटका, अब हिंदी को बैन करने की तैयारी में नेपाल सरकार, अब नेपाल में नहीं बोली जाएगी हिंदी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत विरोधी रुख अपनाए हुए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब संसद में हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब नेपाल में हिंदी भाषा को बैन कर दिया जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाली सरकार के लिए हिंदी भाषा को बैन करना आसान नहीं होगा। बता दें कि नेपाल के बाद इस हिमालयी देश सबसे ज्यादा मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर आबादी भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल में हिंदी को बैन करने के लिए कानून केपी शर्मा ओली सरकार लाया तो तराई क्षेत्र में इसका विरोध देखने को मिल सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नेपाल में अब हिंदी को बैन करने जा रही है नेपाल सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा का गांधी परिवार पर एक गंभीर आरोप, जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में हो जाता था, डाइवर्ट, ये देश के साथ है बड़ा धोखा। जहां दोस्तों आपको बताने की एक बार फिर से जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है गांधी परिवार पर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी। आगे उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में इसलिए दान की थी ताकि जरूरत के वक्त इस पैसे से जनता की मदद की जा सके, लेकिन इस पैसे से जनता की मदद नहीं की बल्कि गांधी परिवार ने मजे उठाए थे। आगे उन्होंने कहा कि इस फंड की रकम को सिर्फ एक परिवार ने अपने फाउंडेशन में डाइवर्ट कर दिया बल्कि देश की जनता को एक रुपया नहीं दिया और देश की जनता से धोखा किया। आगे नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ, अपने फायदे के लिए उन्होंने खूब लूट की और कांग्रेस के राजवंश को अब देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सारे देश को पैसे को खाया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कश्मीर में सीआरपीएफ पर हमला, अनंतनाग के बिजबेहड़ा
कोटा में आतंकियों ने जवानों पर की फायरिंग, एक जवान सहित एक बच्चे की भी गई जान। जी दोस्तों, आपको बताने की इस वक्त ये सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा में आज CRPF की पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इसमें एक जवान शहीद हो गया है और एक बच्चे की मौत भी हो गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये घटना दोपहर 12:10 बिजबेहड़ा में पदशाही बाग के पास हुई है। आतंकियों के हमले में घायल जवान और बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बैठे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों का नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल हुए 3460 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। आज कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार को याचिका की कॉपी देते हुए सोमवार तक कोर्ट में जवाब देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि याचिका 34 देशों के 34 नागरिकों द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका में गृह मंत्री द्वारा ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने और अपने देश वापस लौटने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार से जवाब मंगाया कि मोदी सरकार और राज्य सरकारें बताएं कि इनको आखिरकार क्यों ब्लैक लिस्ट किया गया है और इनको इनके देश वापस भेजना है या नहीं है, तो ये जवाब दाखिल करे। तो अब देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन में तनतनी जारी। अगले 60 दिनों तक हाई अलर्ट पर भारतीय सेना, 90 टैंक किए गए भारत की तरफ से तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी समेत LAC के कई क्षेत्र में लगातार चीनी सेना अपने हथियार और सैनिकों को बढ़ा रही है और ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीय विशेषज्ञों ने भारतीय सेना को चेतावनी दी है कि चीन कभी भी ऐसी स्थिति में भारत पर हमला कर सकता है। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा प्लान बनाया है। सेना ने अगले 60 दिनों तक पूरा प्लान तैयार किया है। इसके तहत अगले 60 दिनों तक LAC पर सेना की कड़ी निगरानी रहेगी। चप्पे चप्पे पर 10,000 जवान तैनात रहेंगे। नए प्लान के तहत बोफोर्स 130 MM तोप और साल्टम की तैनाती भारत की तरफ से LAC पर की गई है। इसके अलावा तंगुस्ता T-90 टैंक और T-72 टैंकों को भी भारत की तरफ से चीन के खिलाफ LAC पर तैनात कर दिया गया है। नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक गलवान में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं यूनिट में भी बदलाव किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चीन लगातार भारत के कई इलाकों के बीच अपनी सैन्य ताकत और हथियारों को बढ़ा रहा है और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी ये कड़े बदलाव किए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो अशोक गहलोत ने बोला गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। कहा भाजपा ने 6 साल में लोकतंत्र ताने बाने को कर दिया तहस नहस। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर पलटवार करते हुए आज कहा कि भाजपा ने केवल 6 साल के अपने शासन में ही देश के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भाजपा और सरकार राजग को हाईजैक कर लिया है, जहां बाकी नेताओं को किसी की परवाह नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे देखकर ये हैरानी होती है कि BJP में सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और मोदी की चलती है, बाकी नेताओं की बिल्कुल नहीं। बैठे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो UP टीचर फर्जीवाड़ा। योगी सरकार की नज़र अब मदरसों पर, दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी अनामिका शुक्ला मामला सामने आने के बाद अब सरकारी स्कूल से लेकर मदरसों तक शिक्षकों के सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से आए नए आदेश में अब राज्य सरकार द्वारा अनुदानित सभी अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच करने के आदेश आज दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से 23 जून को निकाले गए आदेश में कहा गया है कि अगले एक हफ्ते में ऐसे सभी मदरसों के शिक्षकों के प्रमाण पत्र को जांचने का कार्य पूरा कर दिया जाए जो राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट आई है योगी सरकार की तरफ। इसी बीच बैठे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर, तो अब दिल्ली में होम आइसोलेशन वालों को अब नहीं जाना होगा कोविड सेंटर, केंद्र का फैसला हुआ वापस। जी दोस्तों, आपको बताने की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर अलग रहने या अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में क्लिनिकल आकलन के लिए कोविड केयर सेंटर नहीं जाना होगा। सिसोदिया ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद ये कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के कोविड देखभाल केंद्र जाने की जरूरत के बारे में केंद्र की मोदी सरकार के आदेश को बैठक में वापस लेने का फैसला किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि जिन लोगों
कोई भी पेरिट जांच में कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि होगी उनको मौके पर ही मेडिकल अधिकारी क्लिनिकल आकलन करेंगे। और उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर जांच में जिनके संक्रमित होने की पुष्टि होगी उनकी हालात का आकलन जिला निगरानी अधिकारी द्वारा भेजी गई टीम करेगी। तो ये काफी बड़ी बात कही कि अब घर पर ही उनका जो है जो कुछ भी होगा वो घर पर ही होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राहुल गांधी को राजनीति में बताया अप्रासंगिक। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह राजनीति में अप्रासंगिक हैं। 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी पर आयोजित एक प्रदर्शन में रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को ना तो लोकतंत्र की समझ है और ना ही राज्य केंद्र या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वह राजनीति में अप्रासंगिक हैं। बता दें कि ये प्रदर्शन भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय विजय गोयल के द्वार आवास पर हुआ था। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला है। इनको दोबारा